आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। राधा कृष्ण की करोड़ों की मूर्ति के चोर को पुलिस ने पकड़ा। कटनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लगभग 200 वर्ष पुरानी राधा कृष्ण की चोरी हुई मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ में इस मूर्ति चोरी करने वाले चोर को भी धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक ललित साखवार को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बहोरी बन बाकल सलैया के मंदिर से 200 साल पुरानी मूर्ति जो चोरी हो गई थी उसे दमोह के विक्रम लोधी ने चुराया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और मूर्ति बरामद कर ली। पुलिस कार्रवाई में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए इस बात की जानकारी दी कि 2010 में ठंड के मौसम में फूफा के लड़के संजय लोधी के साथ उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसने भेड़ाघाट से 14,000 में दूसरी मूर्ति खरीद की रसीद पुलिस को दिखा दी, लेकिन सच कहीं छुपता नहीं, इसलिए 10 साल बाद चोरी का मामला आखिरकार उजागर हो गया। इस प्राचीन मूर्ति को उस वक्त 5,000 रुपये में खरीदा गया था, जिसकी वैल्यू आज के ज़माने में करोड़ों रुपए के आसपास है। पुरातत्व अधिकारियों के द्वारा यह मूर्ति 17वीं और 18वीं शताब्दी की बताई जा रही है। मूर्ति लगभग 10 साल बाद बरामद होने से क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा समस्त पुलिस स्टाफ की सराहना की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी टीम को नगद इनाम से भी पुरस्कृत किया जाएगा। रिपोर्ट मतीन खान एवं राजेश कुमार तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कटनी। वर्ष 2010 में थाना बाकल क्षेत्र के राजा सलैया गांव से प्राचीन मंदिर है राजा राधा कृष्ण का, जिसमें अष्ट धातु की मूर्ति थी कृष्ण भगवान जी की, वो चोरी हो गई थी। उसमें मामला दर्ज था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि चिरई गांव है दमो का, वहां पर विक्रम सिंह लोधी ने ही चोरी की है। तो उनकी सूचना पर हमारी टीम गठित की गई थी, जिसमें हमारी टीम और मैंने जा कर के और आरोपी विक्रम सिंह लोधी को उसके घर ग्राम चिरई जो थाना तेजगढ़ के अंतर्गत आता है वहाँ से उसको पकड़ा था। और उसने ये यहाँ राजा सलैया से भगवान श्री कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति को चोरी करना स्वीकार किया था। बाद में उसने अपने घर में अलमारी में छुपा कर रखी मूर्ति को भी प्रस्तुत कर दिया था। धारा 380 457 IPC के तहत मामला दर्ज था। कितनी पुरानी मूर्ति थी, क्या कीमती होगी आज की? करीब 200 वर्ष पुराना मंदिर है जिसमें वो मूर्ति स्थापित थी। 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास की वो मूर्ति रही है और उसकी अनुमानित कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एंटिक वैल्यू है करीब 1 करोड़ रुपए है। इसमें दो आरोपी हैं, जिसमें एक अन्य आरोपी संजय लोधी की गिरफ्तारी होना शेष है।